Egan kiao tien ai piang na kin hupien tanga maza isai ko asumi piran sai war panyar shinha akyam pyuta zai. Is dawa ke do ghatak hai. पहली दवा सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज है। जब हम दवा को अंदर लेंगे तो हम इस तरफ श्वास लेंगे। दूसरी तरफ दवा का घोल डालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पक्ष होगा। सिलेंडर के शीर्ष पर लकड़ी का कोयला से भरा एक ठोस काला सिलेंडर है। यह सिलेंडर किस लिए है? जब हम दवा को अंदर लेते हैं, हम चारकोल मुखपत्र के माध्यम से दवा को पारित करने की अनुमति देने के लिए सांस छोड़ते हैं। दवा पर्यावरण में प्रवेश नहीं करेगी। दूसरा घटक एक अलग छोटी बोतल में पैक किया गया एक तरल समाधान है। खोलने का तरीका, हरी दवा सिरिंज के अंत में अभिकर्मक की एक छोटी बोतल डालें, फिर घोल की बोतल को आधा करने के लिए उसे खोल दें। बोतल का ढक्कन खोलें और घोल को दवा की सिरिंज में डालें। दवा डालते समय हमें दवाई मिलाने के लिए हरी सिरिंज को घुमाना पड़ा। चारकोल सिलेंडर को ऊपर की तरफ घुमाएं और फिर अपना हाथ इस तरह सफेद रस्सी में डालें। फिर मुखपत्र को अपने मुंह में पकड़कर और एक खुराक में श्वास लेना शुरू करें। दवा को अंदर लेने के बाद अपनी सांस को 1 से 10 0 सेकंड तक गिने ताकि दवा आपके वायुमार्ग में गहराई से प्रवेश कर सके। फिर अपने मुंह को माउथपीस से हटाए बिना सांस छोड़ें। दूसरी श्वास लेना शुरू करें। आप 1 सेकंड ले सकते हैं और 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं, सांस छोड़ें। और आप 1/3 ले सकते हैं और 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं, सांस छोड़ते हैं। 3 खुराक लेने के बाद इस बार गोलों को एक तरफ रख दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सबसे कम खुराक मिले जो दर्द से राहत दिला सके। लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद भी अगर आपको दर्द होता है तो आप दोबारा दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि जैसे ही आप किसी दवा को अंदर लेते हैं, आप एक वैज्ञानिक फल एसिड को सूंघेंगे और आपको दवा के वापस बाहर आने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन सिलेंडर में दवा का घोल डालने के बाद दवा केवल 1 घंटे तक ही सक्रिय रह सकती है। 3 सांस लेने के बाद और 5 से 10 मिनट बीत जाने के बाद यदि आपको अभी भी दर्द महसूस हो रहा है तो आप 4, 5, 6 बार 3 बार और श्वास ले सकते हैं। 6 खुराक लेने के बाद आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि बहुत तीव्र दर्द निश्चित रूप से दूर हो जाएगा।